morning, student. Today we are going to study issue of dimensions. In this chapter, we are going to study how many conditions at which the dimensions are going to issue. बच्चों, dimension कौन-कौन से condition में issue होते हैं? आज हम उसी पर बात करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले condition of issue देख लेते हैं. तो इसका मतलब क्या है? एक-एक करके हम समझेंगे. तो सबसे पहले लिखा हुआ है issued at par. इसका मतलब है कि डिवेंचर को अगर फेस वैल्यू डिवेंचर का 10 रुपया है, ठीक ना, तो 10 रुपया का डिवेंचर फेस वैल्यू है और इसे फेस वैल्यू पर ही इशू कर दिया गया, तो इसे कहते हैं एट पार, ठीक है, यहां तो समझ आ गया. फिर आते हैं इशूड एट प्रीमियम और उसके पहले है इशूड एट डिस्काउंट. यदि डिवेंचर का फेस वैल्यू जो है 10 रुपया है और कंपनी ने इसको इशू किया 9 रुपया में, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट. यानी डिस्काउंट पर डिवेंचर को इशू किया गया अगर इसे 9 रुपया 8 रुपया यानी लेस देन फेस वैल्यू. नेक्स्ट है इशूड एट प्रीमियम. इशूड एट प्रीमियम का मतलब है यदि डिवेंचर का फेस वैल्यू 10 रुपया है, ठीक, तो अगर इसे 12 रुपया में इशू किया गया, ठीक है बच्चों, तो 12 रुपया का तो यानी कि 2 रुपया जो होगा वो क्या होगा, प्रीमियम पर हो रहा है इशू. यहां से क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में 3 तरह से डिवेंचर को इशू किया जाता है. पहला पार, प्रीमियम और डिस्काउंट. लेकिन शेयर चैप्टर में केवल दो ही था, पार और प्रीमियम. लेकिन डिवेंचर में 3 है, पार, डिस्काउंट, प्रीमियम. तो यू हैव ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस थिंग. नाउ अब हम लोग चलते हैं, क्या इस सिनेरियो में सीखेंगे. कंडीशन है कि इस पर इशू करना है, ठीक है. अब इस पार्ट में है रिडम्पशन. रिडम्पशन का मतलब है कि कंपनी इसको पैसा चुकाएगा. तो कंपनी आप रेडी हो, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दे रहा हूं. अब देखते हैं कि कंडीशन क्या है, रिडम्पशन क्या है. तो बच्चों इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए. यदि कंपनी ने 100 रुपया कर्ज लिया और 100 रुपया ही चुकाएगी, इसको कंडीशन को बोलते हैं पार पार, ठीक है. अब आते हैं डिस्काउंट. कंपनी ने 90 रुपया कर्ज लिया और 100 रुपया चुकाएगी, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट पार. अब 100 रुपया का डिवेंचर था, कंपनी ने 110 रुपया में बेचा और चुकाएगी यहां पर 100 रुपीज में. यहां पर 100 रुपीज कंपनी ने कर लिया और कंपनी इसको चुका रही है 110 रुपया. इस सिचुएशन को बोलते हैं पार से प्रीमियम. अब यहां पर कंपनी 90 रुपया कर्ज लेती है और चुकाती है 110 रुपया. ये वाले कंडीशन को थोड़ा समझिए क्या होता है. डिवेंचर का दाम 100 रुपया है, ठीक है बच्चों, और कंपनी उसे कर्ज ले रही है 90 रुपया, ठीक है. लेकिन 5 साल 3 साल के बाद कंपनी उसको चुकाएगी 110 रुपया. तो कंपनी को यहाँ पर दो प्रकार का लॉस हो रहा है. एक को यहाँ पर 10 रुपया का लॉस हो रहा है, ठीक है, और प्रीमियम के समय में यानी कि एक्स्ट्रा पैसा यानी लौटा रही है. तो दो प्रकार का लॉस हो रहा है बच्चों, 10 रुपीज लौटाते समय और 10 रुपीज कर्ज लेते समय. तो ये दोनों लॉस हो को हम लोग कैपिटल लॉस में ही ले जाएंगे, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट, ये वाला आपको देखते हैं. कंपनी 110 रुपया पर कर्ज लेती है और मान लीजिए चुकाती है 120 रुपया. तो यहाँ पर तो प्रॉफिट है, ठीक है, 10 रुपीज प्रॉफिट है, दैट इज कैपिटल प्रॉफिट. लेकिन यहाँ पर 20 रुपीज का कैपिटल लॉस है. इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग अकाउंट्स में डिवेंचर चैप्टर में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. क्या बोलेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कुछ नाम से आप लोग अवगत हो जाइए, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमको जर्नल एंट्री में लिखना है. लेकिन इसको बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, जो हम लोग शेयर चैप्टर में सीखे थे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये है, ठीक है बच्चों. तो आपने क्या सीखा? दो चीज आपने आज ये सीखा कि इशू
का कंडीशन और रिडक्शन का कंडीशन। तो दोनों के कंडीशन में बहुत सिंपल है, कंपनी कब कर्ज देती है, कितना उसमें कर्ज चुकाती है, इसी का जनरेटरी आपको पास करना है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे जनरेटरी को पास करते हैं। ठीक है, थैंक यू।